ये अवसर अभिव्यक्ति का दिया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। आभार मैम, आभार। और मैं अपने साथ जुड़ी कवित्री जो हमारे साथ की आज की इस दिवस की अंतिम कवित्री हैं, उनके पहले तो उनके धैर्य को मैं नमन करती हूँ। बहुत देर से, बहुत शांति से वो हमारी बात सुन रही थी, और परिचय मैं इनका पटल पे रखती हूँ कि ये हम मिल रहे हैं अब डॉक्टर ललिता जी से, जो दिल्ली गवर्नमेंट में प्रवक्ता के पद पर हैं, और शारीरिक शिक्षा से इनका जुड़ाव है, लेकिन इनका आधिपत्य सबके हृदय में है। ये बहुत ही प्रखर वक्ता हैं, 21 वर्षों से ये शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। महिलाओं के लिए जो विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ इनर व्हील है, उसकी ये प्रेसिडेंट हैं, एडिटर हैं ये इनर व्हील की। और इनसे अगर मिलना है तो हम इनको मिल सकते हैं इनके यूट्यूब चैनल ललित जी की पाठशाला में भी। थिएटर आर्टिस्ट हैं ये, और क्या कहूँ मैं इनके बारे में, कहती जाऊँगी नदी की तरह बहती जाऊँगी। तो इससे बेहतर ये होगा कि ललिता जी अपना लालित्य यहाँ पे स्वयं बिखेरें। मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय ललिता जी को मंच पर। जी ललिता जी, पटल आपका, आपकी प्रतीक्षा में है, आपको पटल पर मैं आमंत्रित करती हूँ। जी ललिता जी, माइक ऑन करिए मैम। तरीके से आप मंच का संचालन कर रही हैं, आप साधुवाद नमन करती हूँ आपको। और इससे पहले कुछ कहूँ, दो पंक्तियां आपको समर्पित करना चाहूंगी कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत नजर आती हो, सादगी में भी कयामत। और अगर मैं सेम टू यू कहूँ तो ये भी गलत ना होगा। बहुत खूबसूरत, जितना अच्छा मंच का संचालन आप कर रही थी, और आपके सामने बोलना, और इतने समृद्ध और धनाढ्य बुद्धिजीवी वरिष्ठ विद्वान साथियों को मैंने सुना है, उनके सामने तो मात्र मैं एक दीपक के समान हूँ, और सभी सूरज की तरह चमक कर यहाँ गए हैं। और ये समृद्ध मंच है जहाँ हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। ये एक लम्हा है जो हम सबको शोभायमान करता है, गौरवान्वित करता है कि आप सबका सानिध्य मिला। तो सभी को साधुवाद करते हुए सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। चूंकि आज का ये पटल जो है अंतर्राज्य महिला दिवस के उपलक्ष्य में, मुझे सुना है कि हम लोग महिलाओं को एक सम्मान देते हैं, क्योंकि नारी शक्ति के रूप में अब आज जहाँ हर फील्ड में, हर स्थान में, हर क्षेत्र में नारी ही नारी दिखाई देती है, और पूरे दमखम के साथ नारी ने साबित कर दिखाया है कि वह पुरुषों की तुलना में नहीं है, अपितु पुरुषों से कहीं अधिक आगे बढ़ी हुई है। हालांकि पर्दे के पीछे भी जब होती तो पुरुषों को देश में संभाले होती थी, आज जब मंच मिला है तो साबित कर दिखाया है कि किसी भी क्षेत्र में मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक रूप से नारी समृद्ध है। तो सबसे पहले मैं नारियों के लिए ही एक कविता, अपने स्वरचित कविता है, आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा। सभी दर्शकों को नमन करती हूँ, साधुवाद करती हूँ, और अब अगली कविता से शुरू करती हूँ। जैसे कि मैंने अपनी बात कि नारियों को जो मंच मिला है, आज से 70-80 साल दशक पूर्व भी हम देखे तो नारी की जो दशा थी, और अब जो नारी यहाँ आगे आई है, तो ये सफर आसान नहीं रहा, मुश्किल सफर रहा। उस मुश्किल सफर को किस प्रकार उन्होंने इस बड़ी नैया को पार कर दिखाया है, तो शुरू करती हूँ। उठ खड़ी है बेटियां बेड़ियों को तोड़कर, जकड़ी जंजीर और जुल्मों को मोड़कर, आह करा छोड़ गीत दर्द के, आंख में आंख डाल चली साथ मर्द के, वेदना की दासता जो युगों की गूंज थी, वेदना की दासता जो युगों की गूंज थी, उस गूंज को मिटा हुंकार कर, ललकार कर, उठ खड़ी है बेटियां बेड़ियों को तोड़कर, जकड़ी जंजीर और जुल्मों को मोड़कर, आह करा छोड़ गीत दर्द के, आंख में आंख डाल चली साथ मर्द के, गर्भ से निकल गई तो आसमां को चूमेगी,
गर्भ से निकल गई तो आत्मा को चूमेगी, बीज है धरा के धरती को फोड़ निकलेगी। गर्भ से निकल गई तो आत्मा को चूमेगी, बीज है धरा के धरती को फोड़ निकलेगी। रूप प्रकृति का है, सृष्टि का वरदान है, नाम नारी तो क्या नरों की ये खान है। रूप प्रकृति का है, सृष्टि का वरदान है, नाम नारी तो क्या नरों की ये खाने हैं। हौसलों की सांस भर, उम्मीदों की मेहंदी सजा, गढ़ने लगी इतिहास, देखो भूत काल भूल कर। उठ खड़ी है बेटियां पेड़ियों को तोड़कर, जकड़ जंजीर और जुल्मों को मोड़कर। आह करा छोड़ छोड़ गीत दर्द के, आंख में आंख डाल चली साथ मर्द के। वेदना की दासता जो युगों की गूंज थी, उस गूंज को मिटा, हुंकार कर ललकार कर। उठ खड़ी है बेटियां बेड़ियों को तोड़ कर। बहुत खूब मैम, बहुत ही खूबसूरत आपकी रचना। मैं कमेंट पढ़ूँ आपके लिए, आप थोड़ी देर अपना माइक ऑफ कर दीजिए मैम, नहीं तो एको हो रहा है शायद। जी जी धन्यवाद मैम, आपके लिए बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट है। नीलू मेहरा जी आपको नमस्कार कह रही हैं, आदरणीय दीवान जी कह रहे हैं उठ खड़ी हैं बेटियाँ बेड़ियों को तोड़कर, बहुत अच्छी रचना है। ललिता जी आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। चंचल वशिष्ठ जी कह रही हैं नीलू जी वाह, आपको पुष्प भी प्रेषित कर रही हैं वो। और नीता जोशी जी कह रही हैं बहुत ही उत्साहवर्धक वाह। आदरणीय नवल जी कह रहे हैं रोटरी दिल्ली अपटाउन ललिता जी का स्वागत करता है। और नीलू मेहरा जी कह रही हैं आहा अपूर्व मुक्तावली। सरिता श्रीवास्तव जी आपका स्वागत कर रही हैं, बहुत लोग स्वागत में हैं आपके। संजय गुप्त जी भी आपका बहुत बहुत, कमलेश द्विवेदी जी आपका स्वागत कर रहे हैं। और आपकी रचना में वाकई पहली रचना में एक अदम्य उत्साह मुझे दिखाई दिया। कह रहे हैं कमलेश द्विवेदी कह रहे हैं यहाँ पे कि आपको सुनकर दुष्यंत कुमार जी की कविता आग जलनी चाहिए याद आ गई। बहुत खूब बहुत खूब, वाकई वाकई मैम मंच आपको पटल में सौंपती हूँ, पुनः अपनी आप रचना रखें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, दिल से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि आपने सराहा, आपने सुना और अपने दिल में आप सभी ने स्थान दिया। कहते कि उम्मीद का झरोका कहीं होता जरूर है, उम्मीद का झरोका कहीं होता जरूर है। मुसीबतों से कह दो हम उसे ढूंढ लेंगे, मुसीबतों से कह दो हम उसे ढूंढ लेंगे। कि रस्ते से जुड़े हैं रस्ते, रस्ते पे नजर रख। रस्ते से जुड़े हैं रस्ते, रस्ते पे नजर रख। मंजिल भी मिल जाएगी रास्ता तो खत्म कर, मंजिल भी मिल जाएगी रास्ता तो खत्म कर। हाल ही में पल्लवी जी अभी पुलवामा का केस सभी को बहुत याद आया, दिल में सभी के बहुत दर्द था। उस दर्द को मैंने अपनी कलम से कुछ पन्नों पर कुछ इस कदर उतारा है और उन शहीदों के लिए जो बहन के भाई, माँ के बेटे, कुछ पत्नियों के पति इस देश पर रक्षा करते हुए जान दे गए। तो मैं चाहूंगी कि एक बार शहीदों को याद करते हुए ये कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं आपको समर्पित करती हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। तिरंगा ओढ़ जो आया उसी पर ये जहां रोया, तिरंगा ओढ़ जो आया उसी पर ये जहां रोया। हजारों रोज मरते हैं यहाँ, हर पल जरा देखो कि हिंद पर जान दे आया उसी पर ये जहां रोया। तिरंगा ओढ़ जो आया उसी पर ये जहां रोया। अधिकतर लोगों कहते हुए सुना होगा कि जवानी का क्या है, जवानी तो 4 दिन की है। उन कहने वालों को जवाब देना चाहूंगी, जवानी 4 दिन की है ये कहने वालों जरा सुन लो, जवानी 4 दिन की है ये कहने वालों जरा सुन लो। जवानी मर नहीं सकती धरा पर जो चढ़ाया, जवानी मर नहीं सकती धरा पर जो चढ़ाया। तिरंगा ओढ़ जो आया उसी पर ये जहां रोया। हजारों रोज मरते हैं यहाँ, हर पल जरा देखो कि हिंद पर जान दे आया उसी पर ये जहां रोया। फौजी का, देश के रक्षक का श्रृंगार क्या होता है देखते हैं, न बिंदिया का न काजल का, न गजरे और पायल का,
न बिंदिया का न गाजल का न गजरे और पायल का, के जख्मों से जो सजाया उसी पर ये जहां रोया, के जख्मों से जो सजाया उसी पर ये जहां रोया, तिरंगा ओढ़ जो आया उसी पर ये जहां रोया। हजारों रोज मरते हैं यहाँ हर पल, जरा देखो कि हिंद पर जान दे आया उसी पर ये जहां रोया। क्या बीतती है माँ बहन पत्नी पर जब एक जवान चला जाता है, गौर फरमाएगा। था अपने बाप का प्यारा, बहुत माँ का दुलारा था, बहन की आंख का तारा, बीबी का सहारा था। था अपने बाप का प्यारा, बहुत माँ का दुलारा का सहारा था, कि हिंद पर जान दे आया उसी पर ये जहां रोया, हिंद पर जान दे आया उसी पर ये जहां रोया, तिरंगा ओढ़ जो आया उसी पर ये जहां रोया। कहते हैं कि देश पर कुर्बान होने वाला वीर होता है, मैं ये कहती हूं कि वीर वो नहीं होता, उससे पहले उसे जन्मने वाली माँ की कोख वीर होती है, जो उस वीर को जन्म देती है और देश पर कुर्बान होने के लिए एक सरहद पार भेज देती है कि जा बेटा देश की रक्षा कर, देश की माँ बहन सभी की रक्षा करना, लौट के ना आना बेशक तिरंगे में आ जाना। तो माँ क्या कहती है उसके लिए गौर फरमाइएगा सभी। माँ कहती है मैं रोऊंगी नहीं जब तू लौटेगा, मैं क्या करूंगी के अशकों की नहीं तुमको दुआओं की विदाई है, के अशकों की नहीं तुमको दुआओं की विदाई है, मेरी ही कोख में आना एक माँ की दुहाई है, तुम्हें पालू मैं अपना दूध दे पाऊं, यही हसरत है मेरी यही ख्वाब सजोया, तिरंगा ओढ़ जो आया उसी पर ये जहां रोया, के हिंद पर जान दे आया उसी पर ये जहां रोया। हजारों रोज मरते हैं यहाँ हर पल, जरा देखो तिरंगा ओढ़ जो आया उसी पर ये जहां रोया। जी जी मैम, बहुत सुंदर आपकी रचना। और जी आप थोड़ी देर म्यूट कर लेंगी, मैं आपके लिए कमेंट पढ़ लूंगी मैम। जी, मुझे भी बचपन में पढ़ी हुई पंक्तियाँ याद आ गई कि हमने पढ़ी थी कुछ कुछ, आप मिलती जुलती जो आपकी प्रथम लाइन है इसकी कि हजारों रोज मरते हैं, तो हमने भी सभी ने पढ़ा है कि विचार लो न मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो, जो याद जो करे सभी। वाकई, और आपकी इस रचना पर कमलेश कुमार दीवान जी लिख रहे हैं कि तिरंगा ओढ़ जो आया उसी पर ये जहां रोया। बहुत खूब ललिता जी, नीलू मेहरा जी आपका स्वागत कर रही हैं, अनुराग अगम जी प्रारंभ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज, चंचल वशिष्ठ जी सुंदर सृजन के लिए आपकी बहुत बहुत सराहना कर रही हैं, नीलू मेहरा जी कह रही हैं सर्वत्र जो है वर्चस्व है नारी का, डॉक्टर ममता गाबा जी अति भावपूर्ण अभिव्यक्ति, ललिता जी कह रही हैं, और नीता जोशी जी कह रही हैं नमन उन वीरों को, और यशोदा मैठाणी जी सांकेतिक रूप से आपकी सशक्त लेखनी की बहुत बहुत तारीफ कर रही हैं, सविता श्रीवास्तव जी जय हिंद कह रही हैं, और वाकई हम सभी का हृदय गर्व से भर दिया आपने, जय हिंद मेरी तरफ से भी, और पटल आपको पुनः सौंपती हूँ मैं ललिता जी। जी सभी का बहुत बहुत आभार, सभी को साधुवाद, सभी को नमन करती हूँ, आपने सराहा आशीर्वाद दिया, हौसला अफजाई होती है आप सबके कमेंट सुनकर, और पल्लवी जी आपका तो कहना ही क्या, पल्लवी जी दो पंक्तियां आपको समर्पित करती हूँ कि जिंदगी जुनून जुस्तजू जंजाल है, जिंदगी जुनून जुस्तजू जंजाल है, कोई कहता कायनात कहता कोई कमाल है, कोई कहता कायनात कहता कोई कमाल है। दर्शकों को समर्पित करती हूँ कि कुछ भी मुश्किल कुछ भी आसान नहीं, कुछ भी मुश्किल कुछ भी आसान नहीं, इसलिए मैं परेशान नहीं, इसलिए मैं परेशान नहीं। जी हमारे देश के संविधान बनाने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के लिए भी अगले महीने उनका जन्मदिवस है, तो मैंने कुछ पंक्तियां उनके लिए लिखी थी, आप आज्ञा दें तो मैं चाहूंगी कि देश की बात चल रही है जहां चारों ओर चुनाव का माहौल है,
और हाल ही में देश को लेकर काफी मुझे लगता है बच्चा बच्चा सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सजग है और संविधान की एक्ट के माध्यम से बात करने लगे हैं। बच्चे भी स्कूलों में एक्ट के माध्यम से बात करने लगे हैं, ऐसा मैंने सोशल मीडिया पर देखा। तो ये एक्ट जिसने बनाया है, जिसने संविधान बनाया है, उनके लिए दो पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी। संविधान बनाया है मेरा मान बनाया है, नारी का देश में समान मुकाम बनाया है, कि देवों के जैसे हो तुम, देव ही तो हो, मेरे तो प्रभु हो, मेरे तो सब कुछ हो। संविधान बनाया है मेरा मान बनाया है। संविधान के माध्यम से नारी को ये मकाम मिला है कि आज हम पुरुष के साथ बैठकर लिखते हैं, पढ़ते हैं, चलते हैं और हर क्षेत्र में पुरुष के साथ समान रूप से दिखाई देते हैं। बाबा तेरी रहमत से नफरत दूर हुई है, इंसान को इंसानियत का पाठ आया है, बेटी को भी घर में अब खूब पढ़ाया है, बेटे भूल कर बेटी को आगे बढ़ाया है। संविधान बनाया है मेरा मान बनाया है, ऊंच नीच का भेद तुमने मिटाया है, न्याय करने को तुमने संविधान बनाया है। जय जयकार करते हैं और करते ही रहेंगे, मेरा मान बढ़ाया है सम्मान बढ़ाया है, संविधान बनाया है मेरा मान बनाया है, नारी का देश में समान मुकाम बनाया है। नमन करते हैं भीमराव अंबेडकर साहब को, जिसने नारी को इतना सम्मान दिया है, नारी को जितना रुतबा दिया है, जो नारी को उन्होंने मुकाम दिया है, ये वही शख्सियत कर सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल था। नारी का जीवन सच में पशु के तुल्य था, तो उनको नमन करती हूँ मैं। जी बहुत ही जी समर्पित करती हूँ। दिल की दिल में रहने दो, लब को अब चुप रहने दो, दिल की दिल में रहने दो, लब को अब चुप रहने दो। रोओगे जब सच जानोगे, रोओगे जब सच जानोगे, जो कहते हैं उन्हें कहने दो, दिल के दिल में रहने दो, लब को अब चुप रहने दो। मेरी यादों में लिपटे तुम लौटोगे, मेरी यादों में लिपटे तुम लौटोगे, फिर भी जाते हो तो अब जाने दो, फिर भी जाते हो तो अब जाने दो, दिल की दिल में रहने दो, लब को अब चुप रहने दो, दिल की दिल में रहने। पल्लव जी, आपको दो पंक्तियां कहने का मन हुआ है कि हम यूं ही बड़े हो गए आपके साथ क्या खड़े हो गए, हम यूं ही बड़े हो गए आपके साथ क्या खड़े हो गए। कहते हैं कि बड़े शौक से पाली है ईमानदारी हमने, बड़े शौक से पाली है ईमानदारी हमने, जिद है जिस्म के जलने तक जिंदा रखेंगे, जिद है जिस्म के जलने तक जिंदा रखेंगे। पेशे से अध्यापक हूँ और कलम मेरा हथियार है, तो कि सोने की कलम न लेंगे हम, सोने की कलम न लेंगे हम, दिल का दर्द लिखेंगे हम, और मजबूरी में ईमा बेचेंगे, इतने सस्ते नहीं है हम, मजबूरी में ईमा बेचेंगे, इतने सस्ते नहीं है हम। मेरे पंखों को नोच कर भी वो खाली हाथ रह गया, मेरे पंखों को नोच कर भी वो खाली हाथ रह गया, और मैं हौसलों के दम पर आकाश छू गया, मैं हौसलों के दम पर आकाश छू गया। जी इसी के साथ ही मैं एक कविता और प्रस्तुत करना चाहूंगी, यदि समय की सीमा समाप्त ना हुई हो तो। पल्लवी जी, आपके पास समय अभी 6 मिनट करीबन।
आओगे, वक्त को देख जो साथी बदलते जाओगे, आखिर में तुम तन्हा नजर आओगे, आखिर में तुम तन्हा नजर आओगे। अब तन्हा रहे जमाना हो गया, अब तन्हा रहे जमाना हो गया, वो चला गया यादों की सौगात देकर, वो चला गया यादों की सौगात देकर। मुझे ही आवाज देता है मुझ में बसकर, मुझे ही आवाज देता है मुझ में बसकर, मुझसे ही मिलता है मुझसे छुपकर। दर्द की दवा बन दर्द दे है, दर्द की दवा बन दर्द देता है, मेरे ही अश्कों में आंखों से बहाकर। उसकी तलब मेरे दिल का करार है अब, उसकी तलब मेरे दिल का करार है अब, वही कहता है अभी इंतजार कर, वही कहता है अभी इंतजार कर। मोहब्बत मेरी उसके दम से है जिंदा, मोहब्बत मेरी उसके दम से है जिंदा, रहता है जो मेरी सांसों में सिमट कर, रहता है जो मेरी सांसों में सिमट कर। कहने को तो पूरी दुनिया है पर इस दुनिया में मेरा क्या है, कहने को तो पूरी दुनिया है पर इस दुनिया में मेरा क्या है। अश्क भी उसके हंसी भी उसकी, अश्क भी उसके हंसी भी उसकी, दर्द जिगर में उसका ही है, दर्द जिगर में उसका ही है। कि सपने बातें यादें चाहत उसकी, सपने बातें यादें चाहत उसकी, दिल भी मेरा उसका ही है। सांसें आती जाती हैं सच है, सांसें आती हैं जाती हैं सच है, पर सांसों को सहारा उसका है, पर सांसों को सहारा उसका है। मंजिल मकसद मन्नत महबूबा, मंजिल मकसद मन्नत महबूबा, जो भी है सब उसका है। हर रोज इश्क करती हूँ आशिक हूँ उसकी, हर रोज इश्क करती हूँ आशिक हूँ उसकी, निगाहों पर मोहब्बत में उलझा लेती हूँ, निगाहें यार मोहब्बत में उलझा ही लेती हूँ। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, और उम्मीद करती हूँ सभी दर्शकों को शायद मेरी बात उनके दिल तक पहुंची होगी, इसने मुझे अवसर दिया है अपनी बात को कहने का। तो आदरणीय पल्लवी जी बहुत अच्छा आप संचालन कर रही हैं, बहुत अच्छा उत्साह वर्धन कर रही हैं, बहुत ही अच्छा मुझे लगा। दर्शकों का भी उत्साह और जोश है, जो समय तक भी हम सबके साथ में जुड़े हुए हैं, कमेंट कर रहे हैं, उन सबका भी बहुत आशीर्वाद मिला है। सबकी आभारी हूँ, सभी के प्रति कृतज्ञ भी हूँ, और उम्मीद करूंगी पल्लवी जी आगे भी आप मुझे, मैं चाहूंगी कि कमेंट क्या आए हैं ताकि मेरा हौसला और बुलंद हो, आगे भी अपने कलम को जारी रखती रहूं, देश दुनिया के साथ अपनी बात को साझा करती रहूं, इस मंच के माध्यम से सदैव जुड़ी रहूं। जी पल्लवी जी। जी जी ललिता जी, आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं यहाँ पे। अनुराग अगम जी कह रहे हैं शानदार काव्य पाठ ललिता जी। यशोदा मैठाणी जी कह रही हैं बहुत बहुत आपकी का सभी कवित्री जो अभी तक यहाँ पे जुड़ी हैं। कमलेश द्विवेदी जी कह रहे हैं रोमांचक काव्य पाठ, सदा सार्थक स्वागत योग्य आपकी रचनाएं हैं। और मैं भी आदरणीय द्विवेदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रारंभ से ही। हिमा रतुड़ी जी कह रही हैं वेरी नाइस, और अनुराग अगम जी कह रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ रही हैं आप। सविता श्रीवास्तव जी कह रही हैं बहुत खूब। कमलेश कुमार दीवान जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदरणीय नवल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय नीता जोशी जी, नीलू महाराज जी हमारा बहुत प्रोत्साहन यहाँ पे हमें दे रही हैं, और हमारा मन कर रहा है हम आपको और सुने। तो पटल पुनः आपको मैं सौंपती हूँ, आपके पास कुछ 5-3-4 मिनट का समय और है, आप अपनी कविता रखिए मैम। अगली कविता आप सबके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आशीर्वाद देंगे। कि शब्द थक गए तुम्हें मनाते मनाते, शब्द थक गए तुम्हें मनाते मनाते, हमने आधी अधूरी गजल छोड़ दी। शब्द थक गए तुम्हें मनाते मनाते, हमने आधी अधूरी गजल छोड़ दी। इश्क बेईमानी है ये मान, इश्क बेईमानी है ये मान, तेरी कसम आशिकी छोड़ दी। इश्क बेईमानी है ये मान, तेरी कसम आशिकी छोड़ दी। दवा दर्द बढ़ा रहा है हर दिन, दवा दर्द बढ़ा रहा है हर दिन, हमने अब उम्मीद छोड़ दी। आंसू मोल खो पानी बन गया, आंसू मोल खो पानी बन गया, अश्कों की वो कहानी छोड़ दी, अश्कों की वो कहानी छोड़ दी। वक्त से लड़े लड़ेंगे जीतेंगे भी, वक्त से लड़े लड़ेंगे जीतेंगे भी, यार हमने आंखें झुकानी छोड़ दी, यार हमने आंखें झुकानी छोड़ दी। जी
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। स्याही से नहीं सिक्कों से चलती है, स्याही से नहीं सिक्कों से चलती है, अब कलम बाजार में सरेआम बिकती है। स्याही से नहीं सिक्कों से चलती है, अब कलम बाजार में सरेआम बिकती है। तमाशा खूब है शोर भी है मगर, तमाशा खूब है शोर भी है मगर, अब कलम से सच्चाई छूट जाती है, अब कलम से सच्चाई छूट जाती है। आंसू दर्द गुर्बत जुल्म लिख नहीं पाती, आंसू दर्द गुर्बत जुल्म लिख नहीं पाती, अब कलम से उम्मीद टूट जाती है। आजाद थी बेबाक हक की बात करती थी, आजाद थी बेबाक हक की बात करती थी, अब कलम तानाशाह के गीत गाती है। आजाद थी बेबाक हक की बात करती थी, अब कलम तानाशाह के गीत गाती है। जेब में दाम नहीं आंसू लेकर आए हो, जेब में दाम नहीं आंसू लेकर आए हो, अब कलम मजबूर से सवाल करती है, अब कलम मजबूर से सवाल करती है। ये व्यंग्य है आज के अखबारों के लिए, आज की मीडिया के लिए, जो सच्चाई को न दिखाकर, देश की सही तस्वीर को न दिखाकर कलम बिक गई है। जी जी पल्लवी जी, जी बहुत सुंदर रचना मैम आपकी, बहुत। आप अपनी अगली रचना रखिए मैम। काली रातों से दिल की बात कर लेते हैं, काली रातों से दिल की बात कर लेते हैं, बन के चिराग अंधेरों से लड़ लेते हैं। काली रातों से दिल की बात कर लेते हैं, बन के चिराग अंधेरों से लड़ लेते हैं। अपने अश्कों को पीते हैं पीकर जी लेते हैं, अपने अश्कों को पीते हैं पीकर जी लेते हैं। दर्द से आंख मिला दर्द को सह लेते हैं, दर्द से आंख मिला दर्द को सह लेते हैं। गैर से न टूटे न टूटेंगे, गैर से न टूटे न टूटेंगे कभी, ये सुन लो, अपने जख्मों की सौगात लिए फिरते हैं। गैर से न टूटे न टूटेंगे कभी, ये सुन लो, अपने जख्मों की सौगात लिए फिरते हैं। हम उम्मीद को सांस बना समाए हैं सीने में, हम उम्मीद को सांस बना समाए हैं सीने में, हर रंजो गम हम सीने में दफन रखते हैं। वो क्या बर्बाद करेगा मुझको खबर नहीं, वो क्या बर्बाद करेगा मुझको खबर नहीं, हम अपने सर पर कफन लिए चलते हैं, हम अपने सर पर कफन लिए चलते हैं। मुझसे ना होगा किस्मत की कलम माँ को दे दो, माँ पर समर्पित करती हूँ कि मुझसे ना होगा किस्मत की कलम माँ को दे दो, वो पल में सब गम खत्म कर देगी, वो पल में सब गम खत्म कर देगी। मेरे आंसू खुशी में और दिल खुशियों से भर देगी, मेरे आंसू खुशी में और दिल खुशियों से भर देगी, वो पल में सब गम खत्म कर देगी। दुनिया में मुझसा फिर कहाँ होगा कोई, दुनिया में मुझसा फिर कहाँ होगा कोई, वो पल में सब गम खत्म कर देगी। मौला माँ जानती है मायने सब, मौला माँ जानती है मायने नसीब के, वो पल में सब गम खत्म कर देगी। वो ही खुदा उसके चरणों में जन्नत समाई है, वो ही खुदा उसके चरणों में जन्नत समाई है, वो पल में सब गम खत्म कर देगी, वो पल में सब गम खत्म कर देगी। जी बहुत सुंदर, माँ की महिमा आपने यहाँ पे रखी। नीता जोशी जी कह रही हैं कि सुंदर प्रस्तुति, कमलेश द्विवेदी जी का यहाँ पे कमेंट में पढ़ देती हूँ मैम, कि सुग्राह्य रूपकों छंदों काव्य चित्रों का समन्वय एवं उत्कृष्ट संचालन वो कह रहे हैं, और सभी को यहाँ पर वो बधाई दे रहे हैं, सभी कवित्रियों को, और आपकी काव्य पाठ की बहुत बहुत सराहना यहाँ पे कर रहे हैं। अनुराग अगम जी वाह कह रहे हैं, और मैम मैं समय व्यर्थ ना करते हुए अंतिम रचना आपकी आज के लिए जी ओके, और आप ही को समर्पित करती हूँ, सभी दर्शकों को समर्पित करती हूँ। ये आखिरी कविता है, आप लोगों का हौसला अफजाही करना मुझे सच में बहुत प्रेरित करता है और कर रहा है। कि तेरे दूर जाते कदमों को रोकने के लिए रुके रहे, तेरे दूर जाते कदमों को रोकने के लिए रुके रहे, जुबां से कुछ ना कह सके बस रोते रहे, जुबां से कुछ ना कह सके बस रोते रहे। मेरे अश्कों ने तुम्हें एहसास तो दिलाया होगा, मेरे अश्कों ने तुम्हें एहसास तो दिलाया होगा, एक आस में आंखों से बरबस बरसते ही रहे, एक आस में आंखों से बरबस बस बरसते ही रहे। लौट आओगे दिल बार बार मुझको समझाता रहा,
लौट आओगे। दिल बार बार मुझको समझाता रहा और हम दिल के झूठ को सच समझ ठहरे रहे, और हम दिल के झूठ को सच समझ ठहरे रहे। बड़ी हसरत थी तुम साथ चलोगे उम्र भर साथी, पल्लवी जी आपके लिए है, बड़ी हसरत थी तुम साथ चलोगे उम्र भर साथी, तेरे साथ पाने को हम उम्र भर तरसते रहे। बहुत कठिन है जिंदगी तेरे बगैर देख देख ले, बहुत कठिन है जिंदगी तेरे बगैर देख देख ले, हम सांस दर सांस मौत को बुलाते रहे, हम सांस दर सांस मौत को बुलाते रहे, तेरे दूर जाते कदमों को रोकने के लिए रुके रहे, जुबा से कुछ ना कह बस रोते रहे, बस रोते रहे। विदाई का समय है, बहुत अब हम दूर जाते रहे, लेकिन इतना तो समझ में आया है कि ये पहली मुलाकात नहीं है, मिले हैं तो मिलते ही रहेंगे। सभी दर्शकों का दिल से आभार अभिनंदन और कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, खासकर पल्लवी जी के लिए, इस मंच के लिए, एन चंद्रा साहब मैजिक मैन के लिए जिन्होंने ये मंच बनाया है, अध्यापकों को, महिलाओं को जो सम्मान दिया है, जो ये आज का समृद्ध मंच हमको दिया है, सच में इस सम्मानीय मंच को भी मैं नमन करती हूँ, सबको नमन करते हुए, सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, सभी को शुभ रात्रि, शबा खैर, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड नाइट। जी पल्लवी जी, बहुत 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 अच्छा लगा मुझे आज, सभी जितनी सभी कवित्रियाँ थी आप भी जुड़ी रही होंगी, आपने भी सुना होगा, और वाकई जिस प्रकार हमारे ऋग्वेद की प्रथम ऋचा कहती है कि आनो भद्रा क्रतवो यंत विश्वतो, अर्थात कि विश्व की समस्त सूचनाएं, सभी अच्छी सूचनाएं मुझ तक आएँ, तो ऐसा पटल एन चंद्रा मैजिक मैन जी ने हमें दिया है, जिसमें जब भी बात होती है बहुत अच्छी बात होती है, सच्ची बात होती है, दिल की बात होती है, अभिव्यक्ति जो होती है उसमें भावों की होती है, और कहीं भी किसी भी प्रकार की कृत्रिमता उसमें नहीं होती। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ पुनः इस पटल का, आदरणीय जोशी द्वे जिन्हें मैं पुनः कह रही हूँ, मैं शिव शक्ति कहती हूँ, और मैं अलग अलग नाम नहीं लेना चाहती, मुझे अच्छा लगता है कि मैं साथ में ही उनका नाम शिव शक्ति के रूप में लूँ, आदरणीय नरेश जी और नीता जोशी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही आभार व्यक्त करती हूँ मैं आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी का, जिनका आशीर्वाद पूरे कार्यक्रम भर हमारे साथ बना हुआ है और बना रहेगा, आदरणीय नीलम वर्मा जी, आदरणीय आभा चौधरी जी, शिल्पा जी, भूमिका जी, और जितनी भी काव्य साधिकाएँ हैं, संचालिकाएँ हैं, आदरणीय नीलू मेहरा जी, जिनका मार्गदर्शन मुझे भी मिलता रहता है, और बहुत ही अच्छा उनका एक बड़ी बहनों की तरह, दोस्तों की तरह, मित्रों की तरह यहाँ पर सब कार्य कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा आप सभी साधिकाओं का जो इतने हृदय से हमारे साथ जुड़ती हैं, इतने मन से हमारे साथ अपने मन की बातें यहाँ पे रखती हैं, और पुनः मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपने सभी समर्थ श्रोताओं का जो इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहे, सभी का बहुत बहुत साधुवाद, और सभी श्रोता अभी जो हमें सुन रहे हैं और जो हमें बाद में सुनेंगे, उन सभी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना के साथ मैं सभी को शुभरात्रि इस पटल के माध्यम से कहती हूँ। आदरणीय ललिता जी, बहुत बहुत आभार आपका, शुभरात्रि।